भगवान कैसा है? ना ये पूरा नकाब संभालो, पहले नकाब नीचे लेकिन लेट हो गए थोड़ा सा और वहां पर 5 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोग ने इसीलिए थोड़ा सा प्लान को चेंज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अबान, मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया ब्लॉग। तो अभी मैं आपके, जैसे आप जानते हैं कि मैं अभी अपने छत पे हूँ और मैं स्कूल के लिए अभी तैयार हो चुका हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ स्कूल क्योंकि मैं हो रहा हूँ लेट। आके अब मिलता हूँ मैं आपसे स्कूल से। लाफिस अबान तो चले गए हैं स्कूल और ओरहान के साथ हम सब खूब मस्ती कर रहे हैं और ओरहान भी देखिए खूब सारी मस्ती करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जूते के अंदर ये मौसम्मी का छिलका डाल रहे हैं। स्कूल से आ चुका हूँ और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और बज रहे हैं अभी 2:10। गलत बोल रहा है, 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, गलत बोल रहा है। अम्मा आपने आज बोला था कोई सरप्राइज रखी है। रखा है सरप्राइज, बढ़िया से नए नए जूते पड़ चुके हैं। अरे अब्बा मेरे को कहीं घुमाने ले जा रहे हैं ना पर। हाँ यार, सुबह का प्लान हमारा था कि हम लोग इमामबाड़ा जाएंगे घूमने के लिए लेकिन लेट हो गए थोड़ा सा और वहाँ पर 5 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोग ने इसीलिए थोड़ा सा प्लान को चेंज कर दिया। क्या क्यों कर रहे हो? सोच रहा था कि हम लोग इमामबाड़ा जा रहे हैं तो इसलिए खुश नहीं था। अच्छा, उसको अच्छा नहीं लगता ना इमामबाड़ा है, ये बात थी इसीलिए मूड खराब था। एक पास में एक रेस्टोरेंट है बाटी चौका, वो हम आपको दिखाएंगे। अरे बाटी चौका नहीं खाना है, वहाँ पे उस रेस्टोरेंट को दिखाने जाना है और वहाँ का बाटी चौका भी खाएंगे। तुम ना खाना, तुमको कौन खिला रहा है? अरे तो मुझे वहाँ पर नहीं जाना। तो मत जाओ ना, तुम यहीं बाहर ही खड़े रहना, अंदर ना जाना, ठीक है? तो वो आपको दिखाएंगे पूरा। ठीक क्या? ठीक है लेकिन मुझे बरकास जाना है। बरकास जाना है तुम्हें? चल भाग यहाँ। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, सारे लोग धीरे धीरे तैयार हो चुके हैं और नगमा मैडम यहाँ पे बैठी हुई है, आपको दिखाते हैं। ये भी तैयारी है ऑलमोस्ट, और अमान की मौनी भी तैयार हो रही हैं और हान जो है अंदर सो रहे हैं, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो। उनको भी अभी जगाएंगे, यहाँ से ले चलेंगे, उनको घुमाएंगे फिराएंगे। तो चलो देखते हैं कैसा है रेस्टोरेंट, अभी तो मैं गया नहीं हूँ, देखता हूँ। अभी तो हम लोग नहीं गए ना वहाँ पे, बहुत सारे उसकी ब्रांचेस है, तो हम लोग अलीगंज वाली ब्रांच में जा रहे हैं लखनऊ में। तो चलो भैया चलते हैं। उस दिन जो शॉपिंग का वीडियो आपने देखा था, ये वहीं से टी शर्ट लाए थे वीमार्ट से, आज अमान ने पहन रखी है। सही से दिखाओ ना यार सबको, पीछे पहनी है चप्पल अभी शूज पहनेगा, मैंने भी पहन रखी है चप्पल, सबने चप्पल नहीं, हमारा लुक ना दिखाओ, हमारा लुक देख चुके हैं। ये मेरे ये हैं, ये शर्मा रहे क्या? ऐसे नहीं दिखाओ, फिर कैसे दिखाओ? लोग जो नजर लगा देंगे। अरे एक बोरा मिर्चा ले लेंगे हम उससे नजर उतारते रहेंगे मेरे मुझे। अभी चलना वहाँ पे तब अच्छे से दिखाना, जब मुंह खोल खोल कर खाएंगे ना तब दिखाना। कोई इंतजाम नहीं है, मेरा बर्थडे आने वाला है। कब है तुम्हारा बर्थडे? हमें तो याद भी नहीं है, है? कोई नहीं, कोई स्पेशल कुछ। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, तुम कहाँ से आई थी? मेरी माँ ने मुझे आजाद कर दिया। तो तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, देखिए मेरा बुर्खा कैसा। अच्छा आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं था। मेरा बुर्खा देखिए कैसा लग रहा है। और दूर जाओ तो दिखाई देगा लोगों को। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल बैटमैन लग रही हो। बैटमैन का कॉम्प्लीमेंट दिया इनको, बस मास्क नहीं खाली। इनका बर्थडे है तो ये सरप्राइज मांग रही है। अबे सरप्राइज कोई मांगता है क्या? क्यों नहीं, कौन मांगता है सरप्राइज? तो रखते हैं हमेशा आपके लिए। कोई नहीं मांगता है, हम तुमसे मांगते हैं क्या सरप्राइज? बिल्कुल मांगते नहीं, मांगते तो हम, आप जानते नहीं कि हम इंतजाम कह के लेती है सरप्राइज, इनको सरप्राइज देंगे, इन्होंने कहा सरप्राइज दो तो सरप्राइज देंगे, कह के लेंगी सरप्राइज। सरप्राइज कह के ये तो कुछ कर ही नहीं रहा मेरे लिए। क्या ये तैयार हो गए चलने के लिए और ओरहान अबान को नहीं, अबान ओरहान को टहला रहे हैं। अबान आराम से नीचे देख के। ये सब गधों वाली चीजें मिलेगी जंक फूड। भगवान के गाइस देख रहे हैं। सॉरी पेमेंट हो गया, हो गया। और यहाँ की ट्रैफिक बहुत गंदी है, ये आ गया बीमार, उस दिन हम लोग यहीं पे आए थे।
और लखनऊ में ट्रैफिक नियम बहुत ख़राब हो चुका है। देखिए आप, सिग्नल खुला हुआ है हम लोगों के लिए, लेकिन सामने से देखिए कारें निकल रही हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं, कितना खतरे की बात है। आप देखिए, माशाल्लाह पूरी फैमिली है हम लोग, तो अच्छा लगता है घूमते हुए। अकेले अकेले मजा ही नहीं आता है कि यहाँ दो ही लोग हैं, अबान भी बोर होते हैं, ऐसे 3-4 लोग हैं और आन माशाल्लाह से। और मुझे याद आया कि बाटी चोखा तो मेरा फेवरेट फूड एवर है। अब अबान को याद आया, कर लेंगे। वैसे भैया ऐसा है कि शैतानी चल रही है, ये हमारा जो यूपी का मामला है वो हम लोग हम से बात करते हैं, तो ये तो आप सब पता ही होगा। तो जब भी हम लोग हम से बात करें तो समझिए मैं होता है, हम लोग की आदत है, इसलिए मैं निकलता नहीं मुझसे। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे जो है मेला लगता है। हम लोग एक बार महवेश मामू के साथ आए थे, मैं एक बोट पे बैठा था, मैं खूब छोटा सा था, तो उस बोट को ऊपर नीचे खूब ऊपर जाती थी, जैसे लगता था गोल गोल घूम जाएगी वो बोट। मुझे रोना आ गया था उस बोट पे, क्योंकि मैं तब छोटा भी था। और बाटी चोखा रेस्टोरेंट में एंट्री लेते ही आपको गांव का फील आना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अबान भी खूब सारी मस्ती कर रहे हैं, कुएं से पानी निकाल रहे हैं, हालांकि कुएं में पानी नहीं है। और यहाँ पर देखिए चक्कियाँ रखी हुई हैं, जो गांव में आपने देखी होगी, जिससे आटा वगैरह और जौ वगैरह पीसे जाते हैं। एक बार इस रेस्टोरेंट में आप ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा वाइब देता है ये, गाँव का एकदम फील आता है इसके अंदर। ये इनका मेन लॉन्च एरिया है, जो सबसे ज़्यादा डेकोरेट किया गया है, बिल्कुल गाँव की फील देने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं, जैसे कि ये खपरी वगैरह होती थी गाँव में, उस टाइप से ये इन्होंने बना रखा है। और ये बरगद का पेड़ भी इन्होंने बना रखा है, बहुत ही अच्छा, मतलब एक डेकोरेशन कर रखा है यहाँ पर। और नगमा बनी हुई है शोले वाली जया बच्चन, जो लालटेन को तेज कर रही है, धीमा कर रही है, और बहुत ही बेसब्री से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने खाने का। और इन्होंने थोड़ी बहुत मस्ती भी करना शुरू कर दी है यहाँ पर। तो नगमा ने सोचा कि इस चक्की को चलाया जाए, एक बार देखा जाए कैसी इसकी फील आती है चलाने में। तो नगमा ने कोशिश की है, देखते हैं चला पाती है नगमा कि नहीं चला पाती। नकाब संभालो पहले, नकाब नीचे इधर वाला भी समेटो। चल ही नहीं रहा तुमसे, उठो। चलो, हो गया, उनको करने दो। ये भी ट्रेडिशनल है, कूटने वाला, जौ वगैरह कूटने के लिए इसमें करते हैं ना। ये तुलसी का पेड़ लगा हुआ है। हम लोग तो वैसे भी गांव के देसी आदमी, पता है गांव में सब सारी चीजें कैसे होती है, लेकिन अच्छा बना है, मतलब वाइब बहुत अच्छी दी है। बहुत अच्छा बना। तो हम लोग के आ गए बाटी चोखे, तो हम लोग का ऑर्डर आ गया है बाटी चोखा, जो इनका स्पेशल है, जिसके नाम से पूरा ये इन्होंने चलाई चकिया, इनका सारा नकाब में लग गया, पूरे नकाब में भर गया पूरा आटा। इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि खाना परोसा जा रहा है, जैसा कि गांव में परोसा जाता था। आजकल ये चलन खत्म हो चुका है, बफे सिस्टम का चलन शुरू हो चुका है। और ये जो भाई खाना परोस रहे हैं, इन्होंने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखा था। तो इस रेस्टोरेंट की ये खास बात है कि हर चीज आपको देसी स्टाइल में मिलने वाली है, तो एक बार इसका विजिट जरूर करें। भगवान कैसा है ये पूरा, प्याज सारी प्लेटें हो गई साफ, बस अबान की रह गई, अबान ने नहीं खाया, इधर भी साफ, ये मरियम ने भी नहीं खाया, और नगमा ने भी साफ कर दिया प्लेट। तो भैया आपका रिव्यू क्या है दोनों का? अल्टीमेट था और मेरी तरफ से बहुत हैवी डोज। और मेरी राय ये है कि एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, थोड़ा सा देखिए बाहर भी मिल जाता है बाटी चोखा, लेकिन यहाँ पे बैठने जो है ना, हाँ बाटी चोखा आपको बाहर भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ बैठने का जो मजा है, जो फील है, वो बाहर नहीं मिलेगा आपको। रोड पे तो गाड़ियां दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत अच्छा है और ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, बहुत अच्छा है।
से दूसरे इधर शहर में आ गए, उधर गांव का माहौल, इधर शहर का माहौल, ये भी एक पार्ट है उनका, यहाँ से भी आता है। गांव का संदूक रखा हुआ है, दो संदूक रखे हुए, छोटा सा मंदिर। मन कभी चक्किया देखा है भैया? ऐसे नहीं चलाया जाता, इसको यूं पकड़ा जाता है, यूं चलाया जाता है, यूं। अबान ने तो एकदम चकिया को नचा के रख दिया, और इनकी मौनी ने सबसे अच्छी चकिया चलाई, इनको एक्सपीरियंस अच्छा है। तुम रोटी के इंतजार में बैठी हो क्या पलंग पे? नागालैंड से कि नीदरलैंड से? चलो और आन डर रहे, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब चलेंगे घर की तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार अबान को और अबान की फैमिली को ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।